वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेज। मैं चंदन सिंह। आइए देखते हैं आज समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 5.2। इसमें देखना है, हमें बताना है प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या। प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 7, 13, 19... 205। अब इसमें मैं पदों की संख्या बता रहा हूँ। हमने बताया था जो पहली संख्या लिखी होती है वो हमारा प्रथम पद होता है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद को हम A1 और A से दोनों से डिनोट करते हैं, हो जाएगा 7। अब हमें D निकालना है तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना है, 13 - 7 = हो जाएगा 6। और ये जो 205 दिया हुआ है ये हमारा L है, ये हो जाएगा 205। अब आप फार्मूला लगाएंगे L बराबर a+(n-1)(d)। तो L की वैल्यू हो जाएगी 205 बराबर a है 7 प्लस n मालूम नहीं है, n ही पदों की संख्या, उसे निकालना है। d हमारा 6 है, 7 को इधर ले जाएंगे आपका हो जाएगा 198 बराबर 6n-1, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से काट रहे हैं तो 6 × 18 एक बचा 6 × 18 बराबर n-1। अब n बराबर हो जाएगा माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 34, यानी कि इस श्रेणी में टोटल संख्या पदों की 34 है। आइए देखते हैं इसी का अगला पार्ट। इसका अगला पार्ट है 18, 15 राइट 1/2 और 13... -47। अब हमें इसमें पदों की संख्या निकालनी है, ये हो जाएगा a बराबर 18 और d की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 30 31 / 2 - 18। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 31 18 × 36 से निकला 31 तो बचा -5/2, ये d आया। और वो जो दिया हुआ है l बराबर दिया है -47। फार्मूला वही रखेंगे l बराबर a+(n-1)(d)। l की वैल्यू हो जाएगी -47 बराबर a है 18 प्लस n-1 d की वैल्यू हो जाएगी -5/2। अब इसमें 18 उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे जाके 8, 7, 15, 4, 1, 5, 1, 6 -5, 6 बराबर -5/2 n-1। -1 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 13, क्रॉस कराएंगे 13 × 26 तो ये हो जाएगा n-1। और इसको जब गुणा करेंगे 13 × 26 n बराबर हो जाएगा 27। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या ए पी 11, 18, 5, 2 का एक पद -150 है, तो इसमें a बराबर हो जाएगा 11, d की वैल्यू वैसे निकालेंगे ये हो जाएगा 8 - 11 बराबर -3। और ये एक पद ये है तो इसको हमारे लेते हैं ए अनुमा पद, ये है -150, ये हो जाएगा an बराबर a+(n-1)(d), ये हो जाएगा -150, a की वैल्यू हो जाएगी 11+(n-1)(d), a की वैल्यू -3, 11 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -161 बराबर -3(n-1)। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस कर देंगे इसको, 3 × 5 = 15, 1 + 3 = 53, ये हो जाएगा आपका 161/3, ये हो जाएगा n-1। अब और सॉल्व करेंगे n-1 बराबर तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 164/3, ये इसका कोई भी पद नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 11वां पद दिया हुआ है, हमें 11वां पद दिया हुआ है यानी कि 11 दिया हुआ है 38। उसके बाद हमें 16वां पद दिया गया है ए 16 = 73, तो हमें 31वां पद निकालना है।
हमें 31वां पद निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 दिया गया तो ये है a प्लस 10d इक्वल टू 38 और ये हो जाएगा 13d इक्वल टू 73। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5d बराबर 13 से 8 गए 5, फिर यहाँ 6 से 3 गया 3, माइनस का कैंसिल कर दिया 5 7 35, तो यह हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। a की वैल्यू है आपकी, a की वैल्यू नहीं निकली, a की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा d की वैल्यू निकली है, d की वैल्यू है 7 बराबर 38। तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 7 10 10 70, तो a बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 32। अब हमें निकालना है a 31 मीन्स a प्लस 30d, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 32 प्लस 3, d की वैल्यू है 7 माइनस का 32 प्लस 3 सत्तर 21 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। अब देखिए फिर आगे ये हो जाएगा a 50 इक्वल टू a प्लस 49d बराबर 106 और ये a 3 है तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12, ये हो जाएगा माइनस माइनस ये कैंसिल, ये हो जाएगा 47d बराबर 6 से 2 गया 4, ये हो जाएगा 94। सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई आपकी 2, d का मान रख देंगे किसी समीकरण में, तो a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d की वैल्यू है 2 इक्वल टू 12, तो a बराबर हो जाएगा 8, ये आपका मान होगा। और आपको निकालना है, आपको निकालना था साय सर्वांतर, तो ये आपका दोनों हमने निकाल दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि तीसरा व नवा पद जो है 4 - 8, 4 - 8 भी है। तीसरा पद का मतलब a3 है, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, फिर उसके बाद दे रहा है नवा पद a9, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, इन्हें हल करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 6d बराबर ये हो जाएगा 8 - 4 = 12, 6 × 12 d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। अब किसी समीकरण में रख लेंगे इसका मान, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 4, तो ये a हो जाएगा 8, a की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। उसके बाद हमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा ये देखना है, हमने माना कि a अनुवा पद जो है वो शून्य होगा, तो अब ये फार्मूला हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a अनुवा पद हमने 0 मान लिया, a का मान 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारा माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 जो है उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 8 ये हो जाएगा 4 बराबर n माइनस 1, उधर ले जाएंगे तो n बराबर 5, यानी कि पांचवा पद जो है वो हमारा शून्य होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि a17 इक्वल टू a10। क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद, ये वाला पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, ये 10 7 अधिक है तो इसमें हम 7 जोड़ दें। a17 को आप जानते हैं कि इसको लिखेंगे a प्लस 16d और इसे लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 6 7, a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d 9d उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 7, 16 से 9 का ये हो गया 7d बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल, d बराबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिसने मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।